हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक सबस्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इकोनॉमिक्स में सबस्टिट्यूट गुड्स के कॉन्सेप्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तब हमें चीज़ें क्लियर लगती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कॉन्सेप्ट होते हैं एंड सबस्टिट्यूट गुड्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आज के अपने इस सेशन में हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही हम सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और सेशन शुरू करते हुए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गुड्स यानी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो गुड्स यानी वस्तुएं जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स। अनरिलेटेड यानी असंबंधित वस्तुएं और इंडिपेंडेंट गुड्स यानी स्वतंत्र वस्तुएं। और दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुएं। तो सबसे पहले हम अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स के बारे में जानेंगे। तो अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स वह वस्तुएं होती हैं जो जिनका एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे पेन और ब्रेड को लेंगे, पेन और ब्रेड यह दोनों वस्तुएं आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। दोनों में आपस में किसी प्रकार का संबंध ना होने के कारण इन्हें असंबंधित या स्वतंत्र वस्तुएं कहा जाता है। असंबंधित या स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है यानी मांग की आड़ी लोच जो होती है वह शून्य होती है, यानी जीरो के बराबर होती है। अब हम जान लेते हैं रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुओं के बारे में। तो संबंधित वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध रखती है, यानी जिन दो वस्तुओं के मध्य संबंध होता है उन्हें हम संबंधित वस्तु कहते हैं। संबंधित वस्तुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सबस्टिट्यूट गुड्स या सबस्टिट्यूट गुड्स, इसे हम कॉम्पिटेटिव गुड्स भी कहते हैं। सबस्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं, कॉम्पिटेटिव गुड्स यानी प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्थानापन्न वस्तु के बारे में जान लेते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। वह वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, यदि आपके पास टी नहीं है कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास कॉफ़ी है टी नहीं है तो आप टी की जगह कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कोका कोला और पेप्सी, आप कोका कोला की जगह पेप्सी का यूज कर सकते हैं और पेप्सी की जगह कोका कोला का यूज कर सकते हैं। सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इज ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी पॉजिटिव होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में जान लेते हैं। तो पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है, एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं की जाती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, बिना कार के पेट्रोल का कोई यूज नहीं और बिना पेट्रोल के कार का कोई यूज नहीं। उसी तरीके से पेन एंड रिफिल, पेन केवल पेन के से हम लिख नहीं सकते बिना रिफिल के, और केवल रिफिल है अगर हमारे पास पेन नहीं तो हम पहले इस पर लिख सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल आपको मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा होगा, मार्कर में इंक डाला होता है। सपोज करिए कि मेरे पास इंक नहीं है केवल मार्कर, तो हम मार्कर से लिख नहीं सकते हैं। और सपोज करें कि मेरे पास इंक तो है पर मार्कर नहीं, तब भी हम नहीं लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि वह वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है वह क्या कहलाती है, पूरक वस्तुओं के। पूरक वस्तुओं के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो निगेटिव होती है, यानी लेस देन जीरो निगेटिव होती है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कैसे होता है इसको हम आगे जानेंगे। और इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे ज्ञात करें। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है
वह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है, यानी मांग की आड़ी लोच कहलाती है। जैसे दो वस्तुएं हम ले लेते हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, तो वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु एक्स के मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होना है, यह मांग की आड़ी लोच कहलाती है। इसे हम एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, यानी वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु एक्स की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। पहले हम सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में देख लेते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि पॉजिटिव होती है तो कैसे होती है। इसके लिए पहले हम सबस्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको इस बोर्ड पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा और इस ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पर डिमांड ऑफ कॉफी को शो किया गया है एंड वो वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ टी को शो किया गया है। सपोज करिए कि जब प्राइस ओ पी वन है तब जो कॉफी की डिमांड है वो एक्स वन के बराबर हो जाएगी, लेकिन जब कॉफी जो टी की कीमत है वो बढ़ जाती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है पी वन से पी टू हो जाती है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, बढ़ जा रही है, एक्स वन से क्या हो जा रही है, एक्स टू हो जा रही है। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे कि जैसे ही चाय की कीमत पी टू से बढ़कर पी थ्री हो जाती है, पी टू से बढ़कर पी थ्री हो जाती है, तो आप देखेंगे कि फिर जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो जाती है, एक्स टू से बढ़कर एक्स थ्री हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही प्राइस ऑफ टी बढ़ा वैसे ही डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सपोज करिए कि जब वस्तु की कीमत ओ पी थ्री है तब कॉफ़ी की जब चाय की कीमत ओ पी थ्री है तब कॉफ़ी की डिमांड हो रही है ओ एक्स थ्री की। अब यहाँ क्या होता है कि चाय की कीमत घट जाती है, चाय की कीमत घटकर पी थ्री से पी टू हो जाती है, और जैसे ही चाय की कीमत पी थ्री से घटकर पी टू होती है वैसे ही कॉफ़ी की डिमांड भी एक्स थ्री से घटकर एक्स टू हो जाती है, एक्स थ्री से घटकर एक्स टू हो जाती है। इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे कि जैसे ही चाय की कीमत पी टू से घटकर पी वन हो जाती है वैसे ही आप देखेंगे कि कॉफ़ी की डिमांड जो है एक्स टू से घटकर एक्स वन हो जाती है, यानी हमें पता चला कि प्राइस आप टी के घटने पर डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जा रही है, घट जाती है। यहाँ पर पता चला हमें कि इन दोनों यानी चाय की कीमत में परिवर्तन होने से कॉफ़ी की मांग में जो परिवर्तन की दर है वो कैसी है, सकारात्मक है, यानी जब चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मांग भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और जब चाय की कीमत घट रही है तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जा रही है, घट जा रही है। इन दोनों में सकारात्मक संबंध होने के कारण क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है। अब ए बी सी तीन बिंदुओं है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के बाद एक रेखा तैयार हो रही है जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं, और यह कर्व कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। यहाँ पे आपको सबस्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव क्यों होता है एक क्लियर हो गया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में देख लेते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है निगेटिव होती है तो कैसे होती है। इसके लिए सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एक एग्जाम्पल को लेंगे। हमने कार और पेट्रोल एग्जाम्पल को ले लिया। आप देखेंगे ओ एक्स एक्सिस पर डिमांड ऑफ पेट्रोल को दर्शाया गया है तथा ओ वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ कार को दर्शाया गया है। जब कार की कीमत ओ पी वन है तब पेट्रोल की मांग हो रही है ओ एक्स वन के बराबर, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि कार की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कार की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, वैसे ही आप देखेंगे पेट्रोल की जो डिमांड है वो घट जाती है, एक्स वन से क्या हो जाती है, एक्स टू हो जाती है। इसी तरीके से यदि हम इसका उल्टा देखें कि सपोज करिए कि जब कार की कीमत ओ पी टू थी तब पेट्रोल की मांग कितनी हो रही थी, वो एक्स टू के बराबर हो रही थी, लेकिन जैसे ही कार की कीमत घटी तो आप देखेंगे कि पेट्रोल की डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, एक्स टू से एक्स वन हो जा रही है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि प्राइस ऑफ कार के बढ़ने पर डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है।
जा रहा है एंड प्राइस आप कार के घटने पर डिमांड आप पेट्रोल क्या हो पा रहा है बढ़ जा रहा है। यहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे ही कार की कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है घट रही है, और इसका उल्टा देखा मैंने कि जैसे ही कार की कीमत घट रही है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जा रही है, यानी इन दोनों में नकारात्मक संबंध है। और इन दोनों में नकारात्मक संबंध होने के कारण जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और यही कारण है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इस टेबल को समझना होगा, और इस टेबल को समझने के बाद आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टेबल में आपको तीन कॉलम दिख रहे होंगे, एक कॉलम में गुड्स को रखा है, गुड्स को दिखाया गया है, दूसरे कॉलम में इलास्टिसिटी के रेंज को दिखाया गया, और तीसरे कॉलम में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दर्शाया गया है। पहला आप देखेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूर्णतया पूरक वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट होती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी निगेटिव होती है। दूसरा आप देखेंगे कि हाईली कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो इलास्टिसिटी रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो तक होती है, और इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो निगेटिव होती है। तीसरा हम देखेंगे कि अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी रेंज होती है क्या होती है जीरो होती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या होती है जीरो होती है। चौथा आप देखेंगे हाईली सब्स्टिट्यूट के केस में जो इलास्टिसिटी रेंज होती है प्लस जीरो टू इनफाइनाइट होती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है इसकी क्या होती है पॉजिटिव होती है। लास्ट में आप देखेंगे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी पूर्णतया स्थानापन्न वस्तु के केस में जो इलास्टिसिटी रेंज होती है वो प्लस इनफाइनाइट होती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी कैसी होती है पॉजिटिव होती है। तो आपको ये ग्राफ देखकर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ देख के समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप इस टेबल को भी देखने के बाद समझ चुके होंगे कि कैसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में निगेटिव होता है, एंड अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स के केस में शून्य होता है। आई होप आज का आपका आज के इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।